बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम जब सामने आए थे तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर पर पिछड़ गई थी। विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई तो सवाल उठने लगा कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के प्रदर्शन में इतनी गिरावट क्यों दर्ज की जा रही है। भले ही 43 सीटों पर नीतीश की पार्टी ने जीत हासिल की हो, लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे नीतीश ने अपने विधायकों की संख्या में इजाफा कर लिया। बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतने वाले जमा खान को नीतीश ने अपनी कैबिनेट में जगह दी और उन्हें जेडीयू में शामिल कराया। बाद में चिराग पासवान के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह को भी जेडीयू में शामिल करा दिया। सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे, लेकिन उनको भी नीतीश अपने साथ ले आए। अब एक बार फिर से विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नीतीश और उनकी पार्टी ऐसे ही खेल में जुट गए हैं। जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर विधान परिषद चुनाव में भी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के लिए पूरा दमखम लगाया, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। अब जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल नीतीश की पार्टी से आगे हैं तो नीतीश एक बार फिर से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए विधान पार्षदों की संख्या में इजाफा करना चाहते हैं। जाहिर है इसके लिए खेल भी शुरू हो चुका है। नवादा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले अशोक यादव से नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं। अशोक यादव राजबल्लभ यादव के भतीजे हैं। उन्होंने कहा भी था कि राजबल्लभ यादव ही उनकी राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अशोक यादव नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। अब चर्चा राजीव सिंह, गुलाब यादव जैसे चेहरों की हो रही है। गुलाब यादव आरजेडी के पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन उनका टिकट विधान परिषद चुनाव में तेजस्वी यादव ने काट दिया था। इसके बाद गुलाब यादव ने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को मैदान में उतारा। अंबिका गुलाब यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मधुबनी सीट से जीत हासिल की, लेकिन इस बात की उम्मीद कम नजर आती है कि गुलाब यादव एक बार फिर तेजस्वी के साथ होंगे। कयास लगाया जा रहा है कि गुलाब यादव नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। वहीं बेगूसराय खगड़िया सीट पर जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के राजीव सिंह भी नीतीश के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। हालांकि वह कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं, लेकिन बेगूसराय और खगड़िया में उनके करीबियों ने नारा दिया था जिसमें नीतीश कुमार के नाम का खूब इस्तेमाल किया गया। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रजनीश कुमार की हार हुई थी और माना गया था कि जेडीयू और बीजेपी के ही नेताओं ने मिलकर रजनीश के साथ भीतरघात किया। अब ऐसे में बेहद दिलचस्प दौर में बिहार की सियासत दिख रही है। नए विधान पार्षदों ने शपथ ले ली है, लेकिन कौन पाला बदलने वाला है, कौन नीतीश के साथ जाने वाला है, क्या वाकई एक बार फिर विधानसभा की तर्ज पर नीतीश विधान परिषद में भी जोड़ तोड़ का खेल शुरू करने वाले हैं, ऐसे कई सवालों का जवाब आने वाले चंद दिनों के अंदर मिल सकता है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।